एवरीवन, आईएसपी यादव वेलकम यू ऑल एट आईएएस मास्टर्स गेट कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन and one important property that is known as King's property. Student, in today's lecture I am going to one more important property of definite integration where we use even and odd functions. Correct? Okay student, without wasting time, let us we discuss about some important property of definite integration. Student, हमने लास्ट की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन किया था। गिवन अ फंक्शन एफएक्स दैट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी, वी डिवाइड द इंटरवल इनटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ डेल्टा एक्स एंड फॉर्म ईच इंटरवल चूज अ पॉइंट एक्स आई, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। डिस्क्रीट सम की हेल्प से यहां पे हम रीमन सम दैट इज इंटीग्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया गया इसमें स्टूडेंट्स, दिस वन इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड गिवन फंक्शन इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, लोअर लिमिट x इक्वल टू a, अपर लिमिट x इक्वल टू b। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिवाइड दिस इंटरवल इन n सब इक्वल इंटरवल्स। करेक्ट? दिस वन इज डेल्टा xi, ith इंटरवल एंड सो ऑन, दिस इज nth इंटरवल। स्टूडेंट, एट डेल्टा एक्स आई द हाइट ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स आई। स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट व्हेन डेल्टा एक्स आई अप्रोचिंग टू जीरो, अगर हम इस इंटरवल की बात करें, ये जीरो को अप्रोच करे, जीरो ना हो, तो ये जो इंटरवल्स हैं एक के बाद एक आप लोगे, दैट इज स्टूडेंट डेल्टा एक्स वुड बी डी एक्स, dx, 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 dx is what? Superficial small length along x-axis. When delta xi approaching to 0 but not equal to 0, you can write it dx. Delta x can be written as dx. आई बात समझ में? So student, वही यहां पे कह रहा है, चाहे आप कहो, integration is Riemann sum of fx into dx. Dx is superficial small length along x-axis. Fx is height along y-axis. And my definite integration is difference between, Riemann sum of fx dx in between a to b. उसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. This is discrete sum starting from I equal to 1 to n f of xi. डेल्टा एक्स आई, इफ डेल्टा एक्स आई अप्रोचिंग टू जीरो, दिस होल सम कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए टू बी। ये मैंने लास्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया था। दिस वन इज रीमन सम ऑफ, रीमन सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी negative. Simply, this is the sum of fx into dx. fx into dx kya hai student? Vertical strip hai. Ye vertical strip x-axis ke above ho sakti hai, x-axis ke below ho sakti hai, exactly x-axis pe ho sakti hai, depending on output of f of x at dx. Correct? Chaliye. Student, let's talk about important property. Student, when integration limit starts from minus a to a fx dx, please be careful. In that case, 99% chances are there might be function is even or odd. High chances hoga ki function ya to even hoga ya to odd hoga.
Student, if f of x is even function, then integration is 2 times of 0 to a fx dx. Otherwise, if f of x is odd function, then integration is 0. हम समझते हैं स्टूडेंट इसको ये कैसे हो रहा है. पहले आप देखिए इवन फंक्शन. इवन फंक्शन, व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन f of x is even function. If f of minus x equal to f of x, then f of x is even function. ऐसा क्यों? Student, symmetry बन रही है. This is my x-axis, y-axis. Let's assume that this one is a, this one is a. Here sign is minus, here sign is plus. Correct? According to the given function, f of x is same as f of minus x. मतलब जितना output function का a पे है, उतना ही output function का minus a पे भी है. Same height है. आई बात समझ में? कुछ function इस तरीके से होगा. जो height जीरो के राइट में है फंक्शन की, सेम हाइट वुड बी इन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. नाउ माय डियर स्टूडेंट, रादर देन फाइंडिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए, फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टार्टिंग From 0 to a and make it twice. क्यों आप repeated addition करो? एक बार में 0 to a को integrate करिए and multiply it by 2. आई बात समझ में? Because area in the left side of x equal to 0 is same as area in the right side of x equal to 0. X equal to 0 is y axis. आई बात समझ में? This is even function. I was samajh mein students. But this function y equal to fx is even about y axis. That is x equal to 0. This is the logic, student. In this case, integration minus a to a f of x dx equal to 2 times of 0 to a f of x dx. यही लॉजिक होता है इवन फंक्शन का. जरा देखते हैं ऑड फंक्शन का. ऑड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. Odd function. This is my y-axis. This is x-axis. Suppose that this one is lower limit, upper limit of the integration. According to the definition of odd function, students, f of minus x, output at f of minus x equal to minus of f of x. मतलब अगर x पे output 2 है, तो minus x पे output minus 2 होगा. Opposite sign का output देता है. कैसे? A पे output positive है, तो minus a पे उतना ही output, magnitude same होगा, negative होगा. ये function कुछ इस तरीके से form होगा. ठीक है? Even function is always symmetrical about y-axis, but odd function is symmetrical about opposite quadrants. किसके about symmetrical है ये? Opposite quadrant का. जैसा function first quadrant में बनेगा, वैसा ही function third
थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा. स्टूडेंट, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस इज सेम एज एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, बट डिफरेंस है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. एक में इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे में उतना ही इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ रहा है. यहां पे स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जो आप निकालोगे यहां पे उतना ही आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि फंक्शन माइनस एफ एक्स डी एक्स है. सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी f of x dx equal to 0, करेक्ट. रीमन सम होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, रीमन सम, पूरा सम करोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. आई बात समझ में? ऑड फंक्शन ऑलवेज symmetrical about opposite quadrants. ऐसे ही सर इवन फंक्शन में इवन फंक्शन इज ऑलवेज symmetrical about y-axis, correct. अच्छा student, जरा देखो इसी का general case, इसका general case देख सकते हैं आप. अगर मेरे से कोई एग्जाम्पल लोगे, एग्जाम्पल कोई मांगोगे मेरे से, जैसे आप अगर मेरे से यहां पे कहो कि -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 2 times of 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आएगा. और इसी के लिए स्टूडेंट अगर मेरे को कहोगे -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आई विल से 0 बिकॉज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है. आई बात समझ में स्टूडेंट? आप मेरे से एग्जांपल मांगोगे, कॉस एक्स जो है इवन फंक्शन है, साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है. इसका भी अगर हमें एग्जांपल लिखना हो, आप बोलो π/2 से π/2 अगर cos x dx इंटीग्रेशन निकालना हो, ये होगा 2 times of 0 to π/2 cos x dx, ठीक है. यही अगर sin x लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा, करेक्ट. अगर स्टूडेंट इसके जनरल केस देखते हैं, कुछ बच्चे इसको डिफरेंट प्रॉपर्टी समझते हैं, बट दिस इज नॉट अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, दिस वन इज द जनरल केस ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. कैसे मैं दिखाता हूं स्टूडेंट. नंबर वन केस, व्हेन एफ ऑफ 2a-x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया है, ठीक है. इसमें है क्या बच्चे, दिस वन इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, माई गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू ए, ये है एक्स इक्वल टू ए, इसके अराउंड सिमेट्रिकल है. कर्व हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, कर्व हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है. जितनी हाइट जीरो पे है उतनी ही हाइट स्टूडेंट कहां पे है, 2a पे. ग्रीन से लेते हैं इसको, x इक्वल टू 2a. अभी जरा इसको ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूं, ठीक है, x इक्वल टू 0,
तो यहां जीरो आ गया, इसमें x इक्वल टू जीरो रखूंगा तो यहां f ऑफ 2a आएगा, मतलब जो हाइट x पे है वही हाइट 2a पे है, 2a माइनस x पे है, मतलब जितनी एरिया a से पहले है उतनी ही एरिया a के बाद में है। y इक्वल टू f ऑफ x इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a, किसके अराउंड सिमेट्रिकल है बेटा, x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो कभी भी आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन अगर मिल जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन 0 टू 2a में कंप्यूट नहीं करूंगा, 0 से a में कंप्यूट करूंगा, इसे दो गुना कर दूंगा, आई बात समझ में। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड केस व्हेन व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ये गिवन है करेक्ट, ये कब होगा, दिस वन इज y एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू a, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 2a एंड योर फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, नाउ गिवन फंक्शन इज ऑड अबाउट x इक्वल टू a, देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस बिफोर x इक्वल टू a, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड x एक्सिस आफ्टर x इक्वल टू a इज सेम, बट इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव नेगेटिव विथ सेम मैग्नीट्यूड। अब यहां पे स्टूडेंट y इक्वल टू f ऑफ x इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन अबाउट अबाउट x इक्वल टू a। सो स्टूडेंट व्हेन वी कॉम्प्यूट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव विथ सेम मैग्नीट्यूड। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू 2a f ऑफ x dx वुड बी जीरो, करेक्ट, ये होना चाहिए। दिस वन इज द जनरल केस, जनरल केस ऑफ द ऑड एंड इवन फंक्शन, इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू a सिमेट्रिकल नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे अगर मैं इस लाइन को ओरिजिन मान लू तो ये कोऑर्डिनेट और डायगोनली सिमेट्रिकल है, ठीक है, डायगोनली सिमेट्रिकल है। यहां बोल सकते हैं स्टूडेंट गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डायगोनली diagonally about x equal to a। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट मैं अगर फंक्शन बनाऊं, ये है जीरो, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ बनाया, जीरो पाई बाई टू,
पाई, 3π/2, 2π, करेक्ट। अभी देखो स्टूडेंट्स, तो ये ऑड फंक्शन है किसके अराउंड, एक्स इक्वल टू पाई के अराउंड, ठीक है। तो मैं अगर इंटीग्रेट करना चाहूं 0 to 2π साइन एक्स डीएक्स, देन आई कैन इंटीग्रेट इट यूजिंग गिवन प्रॉपर्टी, दैट इज f of 2a minus x अगर माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो ये कितना आएगा, 0। क्यों? बिकॉज f ऑफ 2π माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जो आउटपुट स्टूडेंट 0 पे है वही आउटपुट 2π पे है, लेकिन माइनस के साथ। देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू पाई के अलोंग डायगोनली जो है सिमेट्रिकल है, ठीक है। आइए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाए इस पे। ये गेट में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आई थी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं, ठीक है, तो बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकता हूं। जैसे ही मैंने देखा इंटीग्रेशन लिमिट्स आर -a to a -1 to 1, आई ऑब्जर्व्ड फंक्शन fx इक्वल टू x e पावर मॉड x, करेक्ट। f ऑफ माइनस x इक्वल टू x की जगह क्या रख दे, माइनस x रख दे, e पावर मॉडुलस। स्टूडेंट फंक्शन मॉडुलस का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए। मॉड एक्स जो भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, माइनस एक्स ई पावर एक्स, ठीक है, -1 -2 जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। So given function is, so given function is odd about x equal to 0, that is y axis, correct? So iska answer kya ho jayega, 0. So integration -1 to 1 x e power mod x dx इक्वल टू 0, ठीक है, आंसर इज 0। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन दिया गया है 0 to 2 x-1 whole square साइन ऑफ x-1 whole square प्लस कॉस x-1। इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। अच्छा जरा यहां पे देखिए, लेट x-1 = t, मान लेते हैं x-1 = t, दिस इंप्लाइज दैट dx = dt, करेक्ट। व्हेन x = 0, जब हम x की लोअर लिमिट लेंगे, देन t = -1, व्हेन x = 2, x की अपर लिमिट लो 2 - 1, t की वैल्यू आ गई 1। इंटीग्रेशन लिमिट स्टूडेंट्स हो गई -1 to 1, इसकी जगह पे t sin t अपॉन t स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इट्स टी स्क्वायर साइन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ टी डी टी, करेक्ट। ये आ गया स्टूडेंट, यहां पे अगर हम देखें दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 0, क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। चेक करके देखो एफ ऑफ टी कितना है, टी स्क्वायर साइन ऑफ t अपॉन t स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ t, f ऑफ माइनस t निकालिए, f ऑफ माइनस t,
f of minus t, that is t square sine of minus t upon t square cos of minus t equal to sine minus theta minus sine theta. It's t square sine t upon t square cos of t, because sine minus theta equal to minus sine theta and cos minus theta equal to cos theta. ये दोनों apply कर दिया. My dear student, f of minus t के बराबर आ गया. Minus f of t के बराबर आ गया. So f of t is an odd function. Correct. This implies that integration minus 1 to 1 t square sine of t upon t square cos of t dt equal to 0. आंसर क्या हो गया? 0. ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी. करेक्ट. आई बात समझ में, माय डियर स्टूडेंट्स. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन में नेक्स्ट है माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू मॉड एक्स प्लस वन डीएक्स. ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट. काफी अच्छा क्वेश्चन है. गिवन क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस वन टू वन एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन. स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं. इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस वन टू वन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन डीएक्स प्लस कहां से कहां तक, दोनों ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन डीएक्स. इसको स्टूडेंट मैंने इसलिए सेपरेट किया कि ये ऑड फंक्शन है. इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. कैसे? आप देखिए, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन. ठीक है, इसमें स्टूडेंट एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के लिए यहां पे मिल रहा है माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स. क्योंकि मैं यहां पे जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो मॉड लगा हुआ है, वो माइनस को भी क्या बना देगा? प्लस बना देगा. प्लस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. सो दिस वन इज ऑड फंक्शन. ये क्या है? ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन, करेक्ट. तो ये पार्ट का इंटीग्रेशन ही क्या हो गया? जीरो हो गया. नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन मॉड एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू मॉड एक्स प्लस वन
dx. अभी ये इवन फंक्शन है स्टूडेंट, x की जगह माइनस x रखोगे पॉजिटिव रहेगा, x की जगह माइनस x रखोगे x ही रहेगा, x की जगह माइनस x रखोगे x ही रहेगा. हियर f ऑफ माइनस x इक्वल टू एफ एक्स. आई बात समझ में? सो दिस वन इज इवन फंक्शन. क्या है ये? इवन फंक्शन, करेक्ट. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू 1 टू टाइम्स मॉड x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1 dx. अब देखो x की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव. x की वैल्यू 0 टू 1 के मिड में है, पॉजिटिव है, तो मॉड x की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा. दिस कैन बी रिटन एज 0 टू 1 x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 dx. So my integration capital I equal to 2 times 0 to 1. ये x plus 1 का whole square है. तो नीचे क्या बच जाएगा? 1 upon x plus 1 dx. 2 times of ln x plus 1 integration 0 to 1 equal to 2 ln 2. जब हम 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा. My right answer is 2 ln 2. Option B is correct. इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. My dear students, part number 2, definite integration properties, हमने complete कर लिया, ठीक है. Now this 7th video lecture is completed. हमने दो part में से discuss किया है, ठीक है, जो important properties हैं उसे discuss किया. My dear student, next video lecture में I will start linear algebra and first part में हम लोग discuss करेंगे shortcut. ठीक है, फॉर 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स आई विल डिस्कस शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एंड फर्दर वीडियो लेक्चर इसी सीक्वेंस में अपलोड होते रहेंगे. आई बात समझ में स्टूडेंट? फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग सारी वीडियोज का एक्सेस आप 1x1 लीजिए. सो स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.